इसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मधुबनी स्टेशन पे आए हुए हैं। उसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मधुबनी स्टेशन पे जो किस तरीके का नज़ारा है, और मधुबनी काली मंदिर, ये जो है काली मंदिर का भी मैं आप लोगों को सीन दिखाऊंगा। मधुबनी स्टेशन पर क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज़ का नज़ारा दिखाऊंगा। तब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे जो है बने रहिए, इस वीडियो पे स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों को किसी जगह का देखना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी स्टेशन के बारे में जानना हो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग उस जगह का वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। आप लोग जी जो देख रहे हैं मधुबनी के बाहर का, यानी कि रोड तरफ से जो आते हैं अंदर, ये अंदर का सीन हो गया। तब तक मैं आप लोगों को, ट्रेन आ रहा है, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आप लोगों को पूरी चीज बताऊंगा अभी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, यानी मधुबनी के बाहर साइड का हो गया, सबसे जो रोड तरफ से जो आते हैं सीन, वहाँ का आप लोग देख सकते हैं किस तरीका का नज़ारा है। यात्रा पेंटिंग जो है, मिथिला पेंटिंग, ये भी यहाँ का फेमस किया गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीका से ये बाहरी का सीन है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं मधुबनी स्टेशन के अंदर का सीन है, चलिए मैं आप लोगों को फिर से दोबारा दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और आप लोग मधुबनी के कुछ बाहर का नज़ारा देखिए किस तरीका का है। ये देखिए, ये जो है मधुबनी के सेकंड प्लेटफॉर्म, यानी दूसरा प्लेटफॉर्म, उस तरीका को देख रहे बाहर किस तरीके का नज़ारा दिख रहा है, ये दूसरे साइड का हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर अंदर का दिखा देता हूँ। चलिए देखिए जो है अंदर का हो गया, और ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा इस तरीके का। आपका यात्रा मंगलमय हो, मिथिला पेंटिंग किया गया है, और ये मैं कुछ सीढ़ी पे सेकंड प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, उसका मैं आप लोगों को सीन दिखा दे रहा हूँ किस तरीके का। मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, और ये देखिए ऊपर चढ़ने के बाद किस तरीका का नज़ारा ये दिख रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं नीचे इस तरीका का है, और इस साइड में देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्रंट में दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से जो है मधुबनी स्टेशन कैसे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, देखते रहिए, मैं आप लोगों को फिर आगे और दिखा देता हूँ। और दूसरी साइड का देखिए किस तरीका का है, जल, यानी कि मधुबनी स्वच्छ मधुबनी होने के कारण, यानी कि यहाँ पे जंगल था जितना भी साफ कर दिया गया है, और उसमें जल का मात्रा बढ़ाया गया, उसमें गंदगी सबको दूर किया गया है। और आगे मैं आप लोगों को नीचे उतर के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर उसका नज़ारा। कुछ अलाउंस हो रहा है, इसके कारण आप लोगों को माफी चाहता हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। देख रहे किस तरीके का कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, प्लेटफॉर्म एक नंबर, प्लेटफॉर्म संख्या एक का। सॉरी भाई लोग, अभी जो है ट्रेन आ चुका है, इसके कारण आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैं आप लोगों को ट्रेन का भी वीडियो लास्ट में दे दूंगा, किस तरीका का आता है और कितना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है, उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। मैं लास्ट में जा रहा हूँ, वो जो आगे आप लोग सीढ़ी की जैसा देख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नया ब्रिज बन रहा है, यानी कि रेलवे क्रॉस के लिए, इस साइड से सर, यानी रेलवे क्रॉस होने के लिए नया ब्रिज बन रहा है। देख सकते हैं आप लोग किस तरीका का है।
उस साइड से उस साइड के लिए बन रहा है ये। ये हो गया आपको उत्तर साइड से, दक्षिण साइड से बन रहा है ये। और ये हो गया आपका काली मंदिर। हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं, काली मंदिर के अंदर। आप लोगों को मैं काली मंदिर का भी कुछ वीडियो दिखा दे रहा हूँ और इसके अंदर चलते हैं। चलिए देखिए, मैं मंदिर के पास आ चुका। मैं आप लोगों को कुछ मंदिर का नज़ारा थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि इसका फ़ोटो लेना मना किया गया है, इसलिए मैं बाहर से। देखिए, ये जो हो गया आपको मधुबनी के काली मंदिर का सीन हो गया। ये मधुबनी काली मंदिर, और इसके बाहर आप लोग उसके बाहरी इलाका दिखा। तो ये देखिए अंदर का हो गया काली मंदिर का, और बाहर का सीन देखिए किस तरीके का। ये आप लोग इधर घूम जाते हैं तो ये हम दिखाए। देखिए पानी इसके अंदर है, जल, सॉरी पहले, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस ट्रेन पर चढ़ने के लिए कितना यहाँ पे भीड़ लगा है। बीच में भी है, दोनों पटरियों के यानी दोनों ट्रेन के बीच में भी लोग सब चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस पे बीच में अगर मान लीजिए दोनों साइड से अगर ट्रेन आ गया तो खतरा, बहुत ही खतरा हो सकता है। ये मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे, इसलिए आप लोग उससे निवेदन, कोई भी सफ़र करे तो ऐसा काम ना करे, चढ़ने के द्वार से ही चढ़े। जैसे ऊपर से दिया, देखिए चढ़ने के लिए कितना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, एक एक करके सब मार कर रहा है चढ़ने के लिए। ऐसा आप लोग गलती कभी ना करिएगा। थैंक यू दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।